बिस्मिलहर रहीकुम आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन आई एम योर टीचर आमना मात एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय क्लास माय डियर स्टूडेंट्स एज यू नो वी आर रीडिंग अबाउट चैप्टर टेन दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं डेट इज़ लेक्चर फाइव अबाउट हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सेफ्टी मेजरमेंट्स जो भी इलेक्ट्रिसिटी से हैजर्ड्स होते हैं लाइक शॉर्ट सर्किट इसके अलावा ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग की वजह से सर्कट में जो वायर्स हैं वो उनमें वो ब्लो ब्लॉन आउट हो जाती हैं उनमें फायर लग जाती है और कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसिस जलने का खतरा होता है सो so, ये जो डिफरेंट हैजर्ड्स आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में वो किस वजह से आते हैं वो क्या हैं और उनके लिए जो डिफरेंट precautions हम यूज़ कर सकते हैं वो precautions क्या हैं किस तरह से डिफरेंट तरीक़े हम अपना सकते हैं किसी भी हैज़रत से हैज़रत uh, से एहतियात करने के लिए वो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हम अपना सकते हैं किसी भी नुकसान से बचने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट के सो so उसके लिए ऐसे देखते हैं एनालाइज द डेंजर ऑफ ओवर लोडिंग एंड शॉर्ट सर्कट एंड आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्थ वायर फ्यूज़ एंड सर्कट ब्रेकर लिस्ट प्रिकॉशनरी मैर्स टू इंश्योर द सेफ यूज़ ऑफ एलक्ट्रिसिटी सो जो डिफरेंट डेंजर्स हैं जो डिफरेंट हैज़र्ड हैं लाइक ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्कट उसको बचाने के लिए जो डिफरेंट सेफ्टी डिवाइसिस हमने पढ़ी लाइक अर्थ वायर फ्यूज़ एंड सर्किट ब्रेकर उनकी इन हैज़र्ड से इन हैज़र्ड को uh, से बचाने के लिए उनकी क्या इम्पोर्टेंस है वो कौन से हैज़र्ड्स हैं जिनमें हम ये डिवाइस यूज़ कर सकते हैं ताकि हम नुकसान से बच सकें इसके अलावा जो लिस्ट ऑफ प्रिकॉशनरी मैर्स हैं वो क्या क्या हैं जिनसे uh, जुद को हम अपना के इन हैज़र्ड से बच सकते हैं सो so, उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं हेयर इज़ अ पिक्चर इस पिक्चर में आपको क्या शो हो रहा है वो जो लेडी है वो क्या कर रही है जो जिससे उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है यस yes, एक तो वो नेकेड फुट खड़ी है और वेट लैंड पे वेट फ्लोर पे खड़ी है और सॉकेट में प्लग इंसर्ट कर रही है तो उसकी वजह से उसको क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है सो so, अगर हम आ, जो है आ, जूता पहन के या फिर आ, अपने हाथ मुकम्मल तौर पर उनको ड्राई करके और ड्राई फर्श पे खड़े हो के अगर हम सॉकेट लगाएं तो हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं इसके अलावा भी मज़ीद प्रिकॉशनरी मैर्स हैं जिनको हम अपना के इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं सो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक जो हैं वो किस वजह से Uh, किन रीजंस की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक्स जो हैं वो होते हैं पैदा होते हैं या फिर अगर हम वो कौन सी प्रिकोशनी मैर्स हैं जिनको हम अपना के इन इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं सो डू यू नो वट आर द रीजन्स दैट में कॉज इलेक्ट्रिक शॉक सो आपको पता है वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक कॉज होते हैं येस yes. अगर हम ओवरलोड कर दें किसी सर्किट को लाइक like, हमें जो कैपेसिटी है उस सर्किट की वो ऑलमोस्ट जो है वो फाइव वोल्ट की है और हमने उस पर लोड जो है वो टेन वोल्ट का डाल दिया है तो वो सर्किट ओवरलोड हो जाएगा इसके अलावा अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए कोई भी फॉल्ट आ जाए कोई भी डैमेज आ जाए लाइव वायर में और वहाँ पे फायर लग जाए वहाँ पे आग लगनी शुरू हो जाए वायर्स जो हैं वो हीट अप हो जाएँ और हीट अप के बाद वहाँ पे फायर लग जाए तो ये भी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक शॉक का कॉज हो सकता है इसके अलावा अगर वायर्स जो हैं वो वेटी एरिया में वे पड़ी हैं और डैमेज हैं तो वो भी इलेक्ट्रिक शॉक का कॉज हो सकता है इसके अलावा अगर कोई जो चीज़ है लाइक माइसिस वगैरह हैं माउस हैं घर पे तो वो उस वायर को अगर कुतर देते हैं या फिर उसको काट लेते हैं तो उससे भी इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा हो सकता है सो so, अगर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसिस में कोई मसला आ गया है तो उससे भी जो वायर्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं हीटअप हो सकती हैं और इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो हो सकता है सो so, देखते हैं मेजर जो रीज़न् हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स की वो क्या हैं फर्स्ट वन इज ओवरलोडेड जो, uh, जो करंट का पैसेज होता है जो मेन करंट का पैसेज होता है जिस वायर में वो uh, क्या होती है डेट इज लाइव वायर और दूसरी जो रिटर्न पाथ प्रोवाइड करती है करंट को डेट इज न्यूट्रल वायर सो लाइव uh, वायर और न्यूट्रल वायर में से करंट इस तरह से और इस तरह से फ्लो करता रहता है लेकिन अगर कोई भी जो वायर में कोई भी डैमेज आ जाए तो अगर वो मेटल केसिंग के साथ जुड़ जाए तो मेटल केसिंग से जो एक्सेस करंट है वो अर्थ वायर में से गुजर के ग्राउंड में चला जाता है तो इस तरह से लाइव और न्यूट्रल अर्थ और अर्थ वायर की वायरिंग की जाती है सो so, अगर जो हम सॉकेट्स यूज़ करते हैं लाइक like यहाँ पे एक सॉकेट दिखाया गया है तो इस सॉकेट में सिर्फ टू प्लग्स जो हैं इंसर्ट हो सकते हैं लेकिन हम क्या करते हैं हम उसके लिए एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं और एक्सटेंशन यूज़ करके हम डिफरेंट अप्लाइंसिस उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं लेकिन जो हमें वॉल्ट जो जो लिमिट होती है वॉल्ट की उससे एक्सीड कर जाता है लोड तो क्या होता है वो सर्कट जो है ओवर लोड हो जाता है उसके ओवर लोड होने की वजह से जो लाइव वायर है वो हीटअप होनी शुरू हो जाती है उसमें जो हमने फ्यूज़ लगाया होता है डेट इज फ्यूज़ सो उसमें जो हमने फ्यूज लगाया होता है वो फ्यूज डैमेज हो जाता है वो ब्लोन आउट हो जाता है उसमें फायर लग जाती है या फिर वायर में जो उसकी इंसुलेशन है वो हीटअप होने की वजह से जल जाती है और वायर जो है वो जलना शुरू हो जाती है सो so, इस तरह से जो ओवरलोडेड सर्किट हैं वो ये हैजर्ड कॉज करते हैं और उससे इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है मेटल जो मेटल केसिंग है उसमें से करंट गुजर सकता है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है सो so, ये जो ओवरलोडेड सर्किट हो जाते हैं वो डैमेज कॉज करते हैं और इस डैमेज को बचाने के लिए अच्छे वाले फ्यूज़ यूज़ किए जाते हैं सर्किट ब्रेकर यूज़ किए जाते हैं और अर्थिंग की जाती है जो कि हमें इस हैजर्ड से बचाती है जब भी कोई सर्किट ओवरलोड होता है तो अगर वायर्स हीटअप होना शुरू हो जाती हैं तो फ्यूज़ जो है वो ब्रेक ब्रेकडाउन हो जाता है या फिर सर्किट ब्रेकर जो है वो अप हो जाता है या फिर जो करंट है जो मेटल केसिक में से करंट गुजरने लग जाता है किसी भी फॉल्ट की वजह से डैमेज की वजह से लाइव वायर में से तो क्या होता है कि करंट अर्थिंग में चला जाता है अर्थ वायर में चला जाता है और ग्राउंड में चला जाता है सो so, इस तरह हम उस डैमेज से बच सकते हैं सो नेक्स्ट इज शॉर्ट सर्किट। जो नेक्स्ट रीजन है इलेक्ट्रिक uh, शॉक की वो है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट किस तरह से होता है जब uh, कोई करंट को लो रेजिस्टेंस वाला पाथ मिलता है तो वो उस पाथ में से फ्लो करने शुरू हो जाता है और ऐसा क्यों होता है जब फॉर uh, एग्जाम्पल अगर हमने सर्कट को बहुत ज़्यादा लोड किया है या फिर उसमें कोई वायर्स uh, में कोई डैमेज आ गया है और वायर्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो गई हैं लाइक लाइव और न्यूट्रल वायर जो है वो आपस में कनेक्टेड हो गई हैं like और, है, है, और उनके कनेक्टेड होने की वजह से जो करंट uh, एक पाथवे में गुजरना था वो शॉर्ट पाथ उसने एख्तियार कर लिया है तो डैट इज़ कार्ड शॉर्ट सर्कट या शॉर्ट सर्कट यानी के जो एक उनका एक्चुअल पाथ जो है लाइक लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का के करंट जो है वो एक पाथ में गुजरता है अगर उनमें कोई डैमेज आ जाए और वो दोनों वायर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएं और शर, जो करंट है वो शॉर्ट सर्कट से गुजरने लग जाए तो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं वायर्स वहाँ पे एकप्लोयन होती है और जो फायर लग जाती है जिसकी वजह से तो इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो मिल सकता है सो so, इसकी रीजंस जो हैं वो डिफ़रेंट हो सकती हैं वेट लैंड भी इसकी रीज़न हो सकती है, है। यानी कि जो वायर्स हैं वो वेटी हो जाती हैं जब मॉइस्चर जो रीजन्स होते हैं घर पे वहाँ पे या फिर वायर्स की इंसोलेशन जो है वो डैमेज है और वायर्स जो है वो गीले फ़र्श पे पड़ी है तो उसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो सकता है और इसके अलावा अगर कोई स्क्विरल या कोई माउस जो है वो वायर्स की इंसोलेशन को डैमेज कर देता है सो तो उस वजह से भी ये मसला आ सकता है शॉर्ट सर्किट का और इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है सो so, डिफ़रेंट जो प्रिकॉशनरी मयर्स हैं जिनको हम अपना के सेफ रख सकते हैं खुद को डिफरेंट हैजर्ड से लाइक ओवरलोडेड सर्किट से या फिर शॉर्ट uh, सर्किट से वो क्या है डू नॉट टच विद वेट हैंड्स एनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस या वायर कॉर्ड को या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर प्लग को सॉकेट को किसी भी चीज़ को जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होती है उसको वेटी हैंड से ना टच करें अपने हाथों को ड्राई करके फिर उसको टच करें अवॉइड यूजिंग एनी मेटल ऑब्जेक्ट्स अराउंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रिक वायर्स इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स उनको आ, उनके साथ कनेक्शन से अवॉइड करें किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट्स को उनके साथ कनेक्ट ना करें इसके अलावा नेवर ओवरलोड आ सर्किट किसी भी सर्किट को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा ओवरलोड ना करें जितने वोल्ट का जितनी वोल्ट उसकी कैपेसिटी है उस पर उतना ही लोड डालें उसको ओवरलोड ना करें उसकी वजह से वायर जो हैं वो हीटअप हो सकती हैं और सर्किट डैमेज हो सकता है नेक्स्ट इज ऑलवेज यूज़ इंसुलेटिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इंसुलेटिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज करें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें इसके अलावा इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को आ, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ ना रखें उसकी वजह से भी वो हीट अप होके उस सर्किट में डैमेज आ सकता है सो दीज आर डिफरेंट प्रिकॉशनरी मयर्स जिनको हम अपना के डिफरेंट हैज़र uh, से बच सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आने से सो नेक्स्ट इज अप ओवरलोडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक सॉकेट एंड शॉर्ट सर्किट्स आर टू मेजर रीजन टू फॉर इलेक्ट्रिक शॉक, सो किसी भी इलेक्ट्रिक uh, जो सर्किट है उसका ओवरलोडेड होना या फिर उसमें उसमें शॉर्ट सर्किट होना वो इलेक्ट्रिक uh, शॉक की मेन रीजंस हो सकती हैं सो इन हेज़रट से बचने के लिए हम डिफरेंट प्रिकॉशनरी मैयर्स यूज कर सकते हैं ताकि हम इन हेज़र से बच सकें और इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें सो नेक्स्ट इज होमवर्क क्रिएट शार्ट्स ऑन सेफ्टी प्रिकॉशंस For using electrical appliances and present it to the class. Also, identify the importance of the earth wires, fuses, and circuit breakers for preventing interruptions. आपने क्या करना है आपने आ, चार्ट बनाना है प्रिकॉशनरी मयर्स पे किस तरह से हम डिफरेंट जो प्रिकॉशंस हैं उनको अपना के वो कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जिनको अपना के हम किसी भी शॉर्ट सर्किट से या किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं उन इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस को यूज़ करने की क्या क्या प्रिकॉशनरी मैयर्स हैं उस पर आपने चार्ट बनाना है और अपनी क्लास में प्रेजेंट करना है इसके अलावा आपने इम्पॉर्टेंस लिखनी है उस चार्ट में इम्पोर्टेंस शो करनी है सर्किट ब्रेकर की फ्यूज़ की और अर्थ वायर की जो कि प्रिकॉशनरी मैयर के लिए भी यूज़ हो सकती है किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस या इलेक्ट्रिक सर्किट को यूज़ करने के लिए सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट हैजर्ड्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड प्रिकॉशनरी मैयर्स टू अवॉइड डिफरेंट हैजर्ड्स थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़